यात्रीगण कृपया ध्यान दें यहाँ धूम्रपान करना वर्जित है बट आईटीसी के शेयर लेकर ये उम्मीद करना कि सारा देश धूम्रपान करे ये अलाउड है हॉल के एंड से कृपया अपना हिपोक्रेसी का पास कलेक्ट करें एंड कैपिटलिज्म की सीढ़ियाँ चढ़ना चालू करें लेट से आपका रिटायरमेंट गोल जो पांच करोड़ का है इतना पैसा आपको आज ही मिल जाए तो क्या आप अपनी रिटायरमेंट से पहले इसको 20-25 करोड़ कर पाओगे हाँ बोलने से पहले एक बार सोच लेना क्योंकि जब जब लोगों के पास इतना पैसा आया है कुछ ही सालों में वो पैसा जीरो हुआ है हमारे देश के प्राउड एथलीट जो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं बढ़िया पैसा जीतते हैं बट फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं काफी लोग अपनी एक्सपर्टीज से बाहर जाकर जबरदस्ती कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं अल्टीमेटली वो फेल हो जाते हैं दूसरी तरफ काफी लोग बड़े प्यार से अपने बच्चों के नाम पूरी दौलत कर देते हैं एंड बागबान जैसी मूवीज हिट हो जाती हैं। पता है गलती कहाँ है गलती हमारी सोच में है क्योंकि कमाने तो है हमको करोड़ों रुपए, बट हम अपने आप को इस लायक नहीं समझते हैं एंड डीप डाउन ये विश्वास रखते हैं कि हम ये करोड़ों रुपए नहीं कमाएंगे इसीलिए जब हमारे पास सचमुच इतना पैसा आता है तो वी हैव नो आइडिया इसका करना क्या है हम सब जाने अनजाने में कैपिटलिज्म एंड हिपोक्रेसी के शिकार हैं। ये इकोनॉमी इस तरीके से डिजाइंड है कि हमें डिस्ट्रैक्टेड एंड फाइनेंशियली क्रिपल्ड रखे रहती है तो बस एक उम्मीद जिसके सहारे हम आगे जरूर बढ़ते हैं बट कहीं पहुँच नहीं पाते पैसा टिकता क्यों नहीं है करियर बनता क्यों नहीं है क्या ये सिस्टम जानबूझ के हमारी सीखने एंड सोचने की एबिलिटी को रोक रहा है एंड आखिर क्या हम लाइफ को एंजॉय करके बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एंड में पैसा बना सकते हैं अगर हाँ तो कैसे यही सब सवालों के जवाब लेने मैं निकला हूँ बैंगलोर जस्ट टू मीट दीपक हु इज द सीईओ ऑफ कैपिटल माइंड जहाँ मोस्ट इंडियंस चार पाँच करोड़ की वेल्थ हैंडल नहीं कर पाते वहीं ये 500 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ मैनेज करते हैं एंड कंसिस्टेंटली ग्रो भी कर रहे हैं इफ आई कैन डिस्क्राइब दीपक सर इन वन वर्ड दैट वुड बी क्यूरियस 1992 में जब हर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था उन्होंने आईटी चुना आईटी जॉब करते करते वो क्यूरियस हुए ये जानने के लिए कि ये कंपनी का मॉडल क्या है एंड ये पैसा कैसे कमाते हैं एंड अल्टीमेटली 1998 में उन्होंने अपनी खुद की आईटी कंपनी स्टार्ट करी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाती थी अरे मेरे को लोगों ने बोला एक बार की मैंने पहली कंपनी स्टार्ट करी 1998 में तो लोगों ने पूछा आई टी कंपनी में जॉब नहीं मिली

सर अपन बात कर रहे थे इनिशियली व्हाट इज वेल्थ सो हाउ डू यू डिफाइन वेल्थ सो वेल्थ आई थिंक देर इज इज फंडार पुरानी कहानी है कि मैन सिटिंग ऑन द साइड ऑफ रिवर एंड इज फिशिंग सो यंग गाय सो योर एज सो ओल्ड कम्स व्हाट यू डूइंग यू वेस्टिंग योर टाइम गो गेट अ जॉब He's like, well, what will I do if I get a job? Mm. You'll get a job, you'll make money, you can have a house, you can have uh, a wife and children and all that stuff. Yeah, it's, uh, that's good, all good. And uh, what happens after that? Well, your kids grow up, you get to put them into great colleges and they'll go and do their thing and you what's know, you know, then you can, you'll have so much wealth, you can do whatever you want, mm. quit your job, do, you know, great things with it what kind of great things you can do anything buy a boat go fishing Or <laughs> you know so the thing is if you go to that level mm. wealth is defined by wh who you are and what you do want to that. that buddha of desire is the root cause of all unhappiness mm. is actually true because wealth is a result of desire Mm. your feeling wealthy or not feeling wealthy is a result of your desire and that desire can come from whether your friends are uh, mm. wealthier than you uh, whether your neighbor is wealthier than you whether your wife's family is wealthier than you versus you know so it's it's a very rel relative thing and uh, people who find peace in themselves usually i have limited needs

If you are under 50, above 50, calculation but you should be able to take that money and last for the rest of your life. You're spending a lakh mm. a month and uh, that is a 12 lakhs a year. Mm. Multiply by that 33 and a half to four crores. Mm. That is adequate for you to live the rest of your life. Now, whether this makes you feel wealthy or not is a question of who you are. This is how much you need. उसके बाद मैं ये नहीं कह सकता कि देखो अगर मेरे पास चार करोड़ है तो मैं एक लाख पर मंथ क्यों स्पेंड करूँगा मैं तो hmm. दो लाख पर मंथ स्पेंड करूँगा अगर आप ये बोलने लग गए तो फिर तो मतलब दर इज नो एंड मैं इस पर इस पर ही आने वाला था एक्चुअली कि इफ यू हैव मैनेज टू यू नो अचीव दैट बिग ऑफ अ कॉर्पस नेक्स्ट ही सबके पास ही आएगा हमने पहले अपने आप को डिफाइन किया था कि हम ये करेंगे बट वो तब डिफाइन किया था जब हमारे पास पैसा नहीं था अब हमारे पास पैसा आ गया वो चीजें करने का बट अब हमारी डेफिनेशन ही बदल जाती है वी रीडिफाइन आर सेल्स नहीं नहीं अब तो गाड़ी भी चाहिए अब तो ये भी चाहिए अब तो वो भी चाहिए हाउ डू वी नेविगेट लाइफ या हाउ एक तो मैं कैपिटलिस्ट की तरफ से बोलूँगा एज एन एम्प्लॉयर आई फाइंड इट वेरी गुड दैट पीपल वांट मोर लाइक दिस जिस पीपल हु वांट मोर आर विलिंग टू वर्क फॉर दैट मोर एंड विलिंग टू वर्क फॉर दैट मोर मींस ग्रेट थिंग्स विल हैपन एंड एसेट्रा एक्सेट्रा एक तो हमारे दे विल भी एम्प्लॉयज दे विल भी कस्टमर्स दे विल सप्लायर्स दे विल ऑल वॉन्ट मोर एंड देर दे वॉन्ट टू गिव यू ग्रेटर सर्विस इन अदर जो आदमी खुश अपने में खुश होता है वो मतलब ही विल लाइक वाई शुड आई सर्व यू आई एम हैप्पी बाई माई सेल्फ सो इन अ बिजनेस एनवायरमेंट

उन्होंने कहा कि देखो आपको कोई मतलब आपको पेंशन ही मिलेगी hmm. महीने की आपको कोई लमसम नहीं मिलेगा सो दे सेड कि इफ यू रिटायर आई विल पे यू योर लास्ट सैलरी इन टू फिफ्टी परसेंट फॉर एवरी मंथ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ दैट इज द गवर्नमेंट पेंशन फंडा वाई डेंट दे गिव यूर लमसम क्योंकि उनको पता था कि अगर आप लमसम लोगे एन पी एस है नेशनल पेंशन स्कीम पेंशन स्कीम में आप अगर रिटायर करते हो तो आपका सिर्फ चालीस परसेंट का कॉर्पस है जो साठ परसेंट जो वन ऑफ द टू चालीस परसेंट का कॉर्पस आपको मिल जाता है वो इसीलिए दे ंड लॉजिक डजेंट मेक सेंस अगर किसी को बोरो करना होगा hmm. तो साठ परसेंट ही बोरो कर देगा ना true. तो आप पूरी सौ परसेंट ही दे दो तो hmm. या फिर यू नो बट दिंकिंग इज की हम लोग इसको कम्यूट करके पेंशन ही दिलवाएंगे तो बी लूटेड इन इज ओल्ड एज इट मे ऑल्सो भी ट्रू बट आई थिंक सोल्यूशन इज नॉट टू से आपको अपने पैसों से ही दूर करो नहीं बट आई थिंक इट इज साइंटिफिकली प्रूव कि इंसान को इकट्ठा पैसा नहीं मिलता है <laughs> 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 और क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस बात का आप सोचो कि अच्छा ठीक है आपकी बात अलग है आप इस फील्ड से हो हो सब, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जब मेरे पास इतना होगा इतना सिखा रहा हूँ सबको तो ऐसी गलती नहीं करूँगा बट वाट अबाउट नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ इंडियंस नाइन्टी परसेंट ऑफ इंडिया इज़ मेकिंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और लेस पर मंथ इनको अगर हमने दे दिया एक साथ वन सी आर भी दे दिया वन करोड़ दे दिया पता ही नहीं है सोचा ही नहीं है अब यहीं पर एक दूसरी गलती भी क्या करते हैं लोग कि डिफाइन कर लिया खुद को उस समय जब पैसे नहीं है कि मैंने मुझे ये करना है मुझे वो करना है पैसा आ जाएगा बट वो अंदर ही अंदर ना इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो पैसा उनको लगता है कि नहीं कमाएंगे हम पैसा हम दिल्कुर? इतना अचीव नहीं करेंगे

दिस कॉर्पस एक ही बार मिलेगा भैया mm. पिछले नेक्स्ट थर्टी ईयर्स के लिए तो यू हैव टू समाउ मेक इट स्प्रेड ओवर दैट टाइम एंड वॉट आर दोडक्टलो टू से टेरेबल प्रोडक्ट्स फॉर लॉन्ग टर्म अभी भी द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर दिस इज एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड टू कैसे कि एक बार खरीद लिया नेक्स्ट फोर्टी ईयर्स प्लीज गिव मी मनी एवरी मंथ बट द गवर्नमेंट डजेंट प्रोमोट इट्स ओन बॉन्ड्स तो हम जो है जाके एल वाली पॉलिसी खरीद लेते हैं और एल वाली पॉलिसी पेज मी फोर परसेंट एयर वेर एज गवर्नमेंट पेज इज विलिंग टू पे मी सेवन परसेंट एयर। यर सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द एजुकेशन दैट पीपल शुड हैव एंड लाइक यू सेलिंग पीपल की यू विल नॉट भी एबल टू एक्सेस यूर मनी इज वन थिंग बट आई थिंक इट्स अ बेटर थिंग टू एजुकेट क्योंकि लोग अगर एजुकेट हो जाते हैं कि देखो hmm. ऐसे है यू हैव दिस मनी यू कैन यू यू नीड टू पुट इट सम पार्ट ऑफ इट अवे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ अनदर पार्ट ऑफ इट यू कैन यूज बट यू शुड यूज इट केयरफुली डोंट स्पेंड ऑल ऑफ इट डोंट लेट इट बी बोरोड एंड ऑल दैट स्टफ देर आर वेज टू पुट इट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड डिफरेंट कइंड ऑफ स्पेंडिंग ऑल्सो बिकॉज यू नीड टू स्पेंड दैट्स नई रिटायर्ड सो हाउ डू यू डू इट इन अ वे दैट डजेंट मेक यू अ पॉपर बाय द एंड ऑफ यू नो यूर लाइफ और इन सर्टन वे वी शुड फोकस ऑन द एजुकेशन चलो वन सोल्यूशन इज की डोंट गिव यूर मनी यू विल नॉट गेट फिर आपको और मेरे को भी नहीं मिलेगा ना सही बात है जो अपने पैसे को हैंडल करना जानते हैं बिकॉज मेक द डिफरेंस बिटवीन यू मी एंड बडी डॉ बट सर प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग जब लोन लेके पैसा फूक देते हैं टू बु इट इट वेरी ब्लैंडली तो अगर किसी को खुद का पैसा ही मिल गया है जो राइटफुली उसका है सबसे पहले तो वो वही करेगा कोई पड़ोसी लोन लेने आ गया रिलेटिव लोन लेने इट्स ओके इट्स ओके टू हेल्प पीपल इन नीड बट जब किसी को पता चला कि आपके पास पैसा है और तभी आ गया तो यू शुड यू नो रियलाइज की कुछ पैटर्न है यहाँ पे पैसा टिक नहीं पा रहा है नहीं <laughs> yeah. नहीं वो आई थिंक टू दैट एक्सटेंड वी डोंट Necessarily have um, an ecosystem that helps yeah. some of the, like for instance we should have old age homes, yeah. not places where people feel absolutely miserable, but better uh, structured ones. Yeah. Well. Yeah. There are a lot of them happening in India right now, um, in Bangalore also. But uh, uh, as time goes by, uh, some of these people actually have education. So for instance, yeah. there's a there's a there's a there's an organization for old people. Yeah. Who are just retiring, hmm. where they have asked me to come and say, Ki, dikho, Come and talk. Hmm. Because people don't know anything and they are afraid to talk to anybody, hmm. including their own children. I know people who haven't told their own children how much money they have. Because they are afraid that the children will treat them differently. Right. You know, Ki, because then inheritance, all that stuff. Hmm. So people need that, and hopefully, there are more associations coming. ये दिस कैन हैपन थ्रू वीडियोज ऑल्सो बट देन यू आर टॉकिंग टू अ पॉपुलेशन दैट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू यूज द वीडियो मीडियम टू लर्न एक्चुअली यूट्यूब में डालोगे एक चीज़ है व्हाट्सएप में भेज दो तो सब दिखते हैं तो, तो आप, इसका इसका मेन रीज़न मतलब वाई इज इट डिफिकल्ट मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी समझा दोगे ना किसी hmm. को तो वो सबको बस एक बात याद रह जाएगी ऊपर ऊपर से कि वो ग्राफ ऐसे जाके ऐसे ऊपर जाएगा करेक्ट <laughs> किसी को मैथमेटिक्स नहीं समझ आ रहा है उसका किसी को परसेंटेज निकालना भी नहीं आ रहा मैं पता नहीं बहुत ही एक फनी तुझे पता होगा एक फनी वीडियो देखा रोडीज के ऑडिशन का कोई पिच देने आया था वहाँ पे उससे पूछा हंड्रेड का सिक्सटी परसेंट क्या है वो वहीं अटक गया wow. हैंग हो गया उसका ब्रेन हैंग हो गया हंड्रेड का सिक्सटी परसेंट नहीं आ रहा है उसको आप सोचो मतलब मैं किसी की भी इंसल्ट नहीं करना चाह रहा हूँ बट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर लाइक दैट वे एंड हमारे लोगों का इवन हमारे लोगों का नहीं हर कंट्री के लोगों का अमेरिका और इंडिया का खासकर यही आ, हाल है आई क्यू गिरता जा रहा है और वो आई क्यू कैसे गिरता जा रहा है बिकॉज ऑफ वॉट वी कंज्यूम एवरी डे यू आर एन एवरेज ऑफ फाइव पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद और उसको भी थोड़ा और एक्स्ट्रापुलेट कर दो कि अगर आप लोगों के साथ कम टाइम स्पेंड कर रहे हो बट कॉन्टेंट ज़्यादा देख रहे हो रेक। क्या देख रहे हो वही आप बन जाओगे अब आप सास बहू के वो देख रहे हो जिसमें अब एक बहुत ही वायरल हुआ था एक सीन वायरल हुआ था कि लड़की बोली

अब सोचो कि ऐसे लोगों का कितना आई नीचे जाता ही जा रहा है हम ये क्वेश्चन नहीं करते हैं ना कि क्या चल रहा है हम अनोइंगली वो देखे जा रहे देखे जा रहे देखे जा रहे हैं एंड हम वैसे के वैसे हमारा थॉट प्रोसेस वाइड हो रहा है अब आके कोई क्रिटिकल चीज़ समझाएगा तो उसकी मेंटल कैपेसिटी हमारे में अंदर रहेगी नहीं ना उसको समझने की तो अब कोई कितना ही ट्राई कर ले कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के आगे ये होता है दीज आर द बेसिक्स ऑफ मनी मैनेजमेंट ऐसे करना है वैसे करना है एक्स आई आर आर क्या होता है वो समझाने में आपको एक साल का क्लासेस देनी पड़ेंगी तब जाके एक साल बाद आप उम्मीद कर सकते हो कि एक्स आई आर रिलेटेड थ्री आउट ऑफ फाइव क्वेश्चन ही विल बी एबल टू गेट राइट यही तो हो रहा है तो, yes. Actually, वो इसलिए भी हुँ. है कि लोग वो कंपाउंडिंग इज लाइक लिटरली वर्ल्ड कम्पाउंड एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया हमने एक वीडियो बनाया था टैक्स हार्वेस्टिंग पे तो उस पे हमने बताया कि आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को जो एक साल पुराने हो गए हैं उसको बेचो और वापस खरीद लो तो लोगों ने लिटरली कमेंट्स पे कॉमेंट लिख दिए इससे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग रुक जाएगी हमारी <laughs> क्योंकि उन्होंने कहीं किसी यूट्यूबर का या किसी क्रिएटर का सुन लिया कि पैसे को निकालना नहीं है नहीं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग रुक रुक जाएगी रुख जाएगी हाँ, तो वो अब वो लेकर अड़ गए हैं कि नहीं आपने गलत बता दिया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग रुक जाएगी हम ऐसा नहीं कर सकते थोड़ा सा टैक्स बचा के क्या कर लेंगे हमारे करोड़ों रुपए मिस हो जाएंगे अ यूट्यूबर आई कैन से कि या तो कॉन्टेंट फियर से चलता है या ग्रीड से चलता है तो अगर मैं ऐसा टाइटल लिख दूंगा कि 200 सौ परसेंट रिटर्न कमाओ सॉवरन गारंटी के साथ आप देखो आपके मेरे सारे पब्लिकेशन से सबसे ज्यादा व्यूज मैं ले आऊंगा एक वीडियो से सही है, बिल्कुल, है ना बिल्कुल लोग सीखने पे तो फोकस करते ही नहीं है या तो गेट रिच क्विक हो जाए या फिर उनको डरा दो फटाफट से उनका ध्यान खींच लो बस ये दो चीज़ें काम कर रही है देखो ये सच बताओ तो ये पहले हमारे पॉलिटिशियंस ने फिगर आउट कर लिया ट्रू तो अब जो व्हाट्सएप में और जो ट्विटर पे जो होता है हंगामा इट इज़ प्राइमरली टू हार्वेस्ट दीज टू थिंग्स थिंगली मैं अगर ट्विटर पे जिया मैंने बोला कि देखो इंडिया इज सीम्स टू बी डूइंग वेल तो सीम्स टू बी डूइंग हाँ कोर्स ये है यू नो you know, जो हर घर ये वो 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 कमेंट्स आने mm -hmm. लग जाते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू से नो दैट इफ यू एम्पलीफाई पॉजिटिव मैसेजेस एंड एम्पलीफाई नेगेटिव मैसेज ऑल्सो देन यू कैन हारवेस्ट पीपल्स माइंड योर माइंड इज लाइक वो क्या कहते हैं वो वो डोपोमीन होता है ना शॉर्ट वो यू वॉन्ट योर डोपोमीन शॉर्ट एंड यू लुक एट एनी थिंग यूट्यूब और वो This kind of content they get you with is this kind of somehow giving you this feeling of, ye kya karne wala hai, or something it's it's one of those emotion generating uh, sequences. Right. And the emotions of fear and greed mm -hmm. work for money. The emotion some other emotions work for some other uh, kind of. For instance, outrage works for politics. Right. Jitna outrage karlo achha hai, mm -hmm. It also works for filmmaking. तो आप अपनी मूवी से पहले अपना कोई स्कैंडल लगा दो कि ये, ये एक्टर ने ये कर दिया है तो हर भी देखेगा वो मूवी वो घटिया से घटिया मूवी होगी तो लोग जाके इसलिए देखेंगे कि इतना हंगामा होता वी आर सो शेलो दैट वी आर इजिली इन्फ्लुएंस्ड इजिली इन्फ्लुएंस इजिली डिस्ट्रैक्टेड शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है मतलब या अब अभी किसी ने यहाँ आवाज इधर इधर मुड़ जाएंगे इधर ah. मुड़ जाएंगे अब रुक के कभी देख नहीं रहे हमको क्या करना इनफैक्ट आई थिंक दिसम स्टॉक मार्केट ऑफिस टाई वाई लगा के यही चीज़ करते हैं mm -hmm. यार सो द डिफ्रेंस इज की स्टॉक मार्केट में कोई बोलेगा कि देखो इफ यू डोंट बाई नाउ यू विल नेवर बी एबल टू बाई बिकॉज ट्रेन निकल जाएगी आप फिर स्टेशन पर रह जाओगे राइट right. तो लोग पागलों की धर खरीदते हैं एंड विदाउट एनी केयर कि किस प्राइस पे खरीद रहे हो hmm. क्या खरीद रहे हो जो यार ये जाने वाला है एच डी एफ सी है एच डी एफ सी बैंक है बहुत आगे जाएगा हाँ शायद हो सकता है जाए बट उससे पहले शायद चालीस परसेंट गिरे भी hmm. वो किसी ने आपको नहीं बोला राइट right. तो जब चालीस परसेंट गिरता है तो ना स्टेशन होता है ना ट्रेन होता है कुछ ना आप अकेले हो एंड एवरीबडी थिंक दे कि वो फंस गए राइट देन दैट फियर कम्स कि और नहीं फंसना है चलो बेच देते हैं hmm. देन मार्केट गोज अपरिजिनल प्राइस के ऊपर चला गया एच डी एफ सी hmm. अब आप कहते हो यार ये तो मैं मेरे साथ अल्टीमेट <laughs> असली कम्पाउंडिंग hmm. क्या है आप किस चीज़ को खरीदो hmm. और उसको भूल जाओ राइट एंड आई नो पीपल लाइक दिस एक दिन एक बंद आया था वो आई डों ड्रामा स्टेज रियल वो सी एन बी सी पे आया उसने बोला माई ग्रैंड फादर एट बॉट समेयरफ वीबन डेढ़ सौ शेयर है डेढ़ सौ या दो सौ शेयर जो भी देखा था, हाँ. है वॉट कैन आई डू विद दो सौ तीन सौ शेयर तो हो गए मतलब एक करोड़ से ज्यादा ही हो यू नो सर देर ओनली टू हंड्रेड पर शेयर इट सिक्सटीड रुपीज क्योंकि अगर ये आदमी <laughs> उस शेयर को अगर उसने सौ रुपये खरीदे होते और वो पाँच सौ भी बन जाता चलो राइट right. वो बेच देता उसको बेच देता पांच गुना आ गया यार और क्या चाहिए और क्या चाहिए बट वो फाइव हंड्रेड से फिर सिक्सटी फाइव थाउजेंड वो देखते देखते यार पाँच सौ में क्यों बेचा यू थिंक ऑफ दैट दैट इज कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग इज द थिंग दैट है

एंड आई सी दैट बिकॉज एजुकेटेड लोगों को लगता है कि वो हर चीज़ पे अपनी ओपिनियन दें और उस पर डिसीशन बनाया जाए द रीज़न दैट इज दैट वेन वी सी आर म्यूचुअल फंडस और हम देखते हैं कि इसका रिटर्न दस परसेंट था उसका रिटर्न आठ परसेंट था इसका रिटर्न टू परसेंट है अब वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग किया क्या ये टू परसेंट इसलिए है कि वो टेम्पोरे थोड़ा सा डाउन है कल वापस ऊपर आ जाएगा या फिर ऐसा है कि वो फंड मैनेजर यार छुट्टी पे गया है वो कर नहीं रहा अपना काम mm, mm, mm. तो वी डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड बिकॉज वी डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन द टू आर इंस्टेंट फोर्सेस कि यार मैंने देखा दो परसेंट मेरे को नहीं चाहिए दो परसेंट वाला निकालो बिकॉज वी वॉन्ट मेक दैट इंस्टेंट डिसीजन वी डोंट गो डीपर देन दैन दट क्यों हुआ था क्या हुआ था एंड थाट सो बिकॉज ऑफ दैट वॉट मोस्ट पीपल एंड ऑफ मेकिंग दीज मिस्टेक्स ऑफ मेकिंग डिसीजन वेन दे शुड मेक डिसीजन सो इंपल्सिव मोस्टली इम्पल्सिव एंड लॉर्ड ऑफ थिंग्स आप अब किसी को यही बता रहा था कि देखो आपके पास म्यूचुअल फंड आपको कॉम्पाउंडिंग करनी है mm. सच्ची में कॉम्पाउंडिंग करनी है बट यू नीड मनी आप क्या करोगे आई विल टेल यू दिस टेक फिफ्टीन डे लोन इट्स एक्चुअली बेटर थिंग यू हैव पुट सम थिंग फॉर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इट बिकम वन लैक रुपीज ओके ठीक है एंड

आप ट्वेल्व परसेंट पे लोन भी लोगे अगर दो महीने का इंटरेस्ट कॉस्ट एक हजार रुपया राइट इज इट चीपर टू पे द गवर्नमेंट फाइव थाउजेंड और टू पे वन बैंक वन थाउजेंड रुपीज आप उसी फंड को गिरवी रख के hmm. दो महीने के लिए आप लोन ले लो hmm. आपके माइंड में ये होगा कि यार ये बैंक को पैसे नहीं देने जल्दी से वापस भरो राइट right. इंसेंटिव भी आ जाएगा और कॉम्पाउंडिंग का कॉम्पाउंडिंग और आपने चार हजार रुपये पहुंचा लिए दिस इज काउंटर इंटिव बिकॉज हम भी बोलते हैं लोगों को लोन मत लो hmm. तो मैं कहता हूँ लोन लेना चाहिए ऐसे टाइम पे ट्रू यू शुड डू इट एंड वाई डोंट इज टू मच वर्क एंडल टू दर्फिस मैडमिस भी नहीं करते हैं ना अभी आप जैसे आपने बोला ना बारह परसेंट पे बहुत सारे लोग जो अभी तक सुन रहे हैं या सुनत, सुनते सुनते एकदम से आपके अगला डायलॉग आने से पहले ही सोच चुके होंगे बारह परसेंट पे लोन लेना है कुछ भी <laughs> बट बारह परसेंट पे लोन दो महीने के लिए ले रहे हैं नहीं hmm. अगर आपको मैं ये hmm. ये एक कैमरा है तीस तीस hmm. का, आप मेरे को ना तीन किस्तों में दे दो तो, दस हजार hmm. इंटू थ्री दॉ एक्चुअली ट्वेंटी नाउ योर थिंकिंग कि देखो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड रुपीज़ है uh, तीन महीने का अगर मैं रखूँ तो मैक्सिमम कितना वन थाउजेंड रुपीज़ लाइक थ्री परसेंट फोर्टी परसेंट हो रहा है <laughs> इंटरेस्ट रेट इज फोर्टी परसेंट वो फाइनेंस कंपनी यही तो कमा रही है बिकॉज दे आर ई एम आई इंटरेस्ट फ्री उन्होंने कैमरा वगैरह हमसे डील कर रखा है कि देखो भैया ये डील ये कैमरा इंस्टेंटली लेना चाहता है लेकिन वो लोन पे लेना चाहता है तो एक हजार रुपये आपको कम मिलेगा right. कहता ठीक है यार ले ले तो एक परसेंट मेरे कोई प्रॉब्लम को नहीं है वो चालीस परसेंट कमा रहा है आप चालीस परसेंट दे रहे हो पर आपको पता नहीं है कि आप चालीस परसेंट दे रहे हो तो इसमें यू नो द प्रॉब्लम इज दिस डिस मैं कहता हूँ वो क्या कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन ए सीमेट्री कहते हैं मतलब यू हैव हैव सम आई डोंट आपको आपको कैलकुलेट खुद करना है हाँ। आपको दे दिया आंसर दे दिया थोड़ा बहुत पार्ट दे दिया एक्स आपको निकालना है exactly. अब इस पर हमने एक शॉर्ट बनाया था गवर्नमेंट uh, ने अब आ, ये मैंडेटरी किया है कि हर फूड प्रोडक्ट पे हर के जी कॉस्ट लिखा हुआ होना चाहिए अब ऐसा नहीं कह सकते कि साढ़े सात सौ ग्राम आटा हज़ार रुपये का है आपको ये बताना पड़ेगा एक किलो आटे का रेट क्या है रेट क्या है हाँ लोग बोलते हैं ना बड़ी बॉटल ख़रीदो सस्ता पड़ता है बट बड़ी बॉटल ख़रीदते ख़रीदते हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि शैम्पू के वैन इट कम्स टू शैम्पू आप उसको अगर एक रुपये वाले सैशे में ख़रीद रहे हो तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है क्योंकि हमको नहीं समझ आ रहा कि वो एक किलो या एक यूनिट का प्राइस कितना है तो सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है अब कि आपको लिखना ही पड़ेगा वेरी इंटरेस्टिंग मे बीट्स अ गुड वे तो ये क्या है लो, हम भी नहीं सोचते ऐसे आप आप और मैं अगर शैम्पू या चौकस लेने जाएंगे तो ये रोज रोज़ कोई नहीं करेगा ये बट हमको ना एटलीस्ट ये लोन वाले मैटर्स में या कुछ बड़ा आइटम खरीद रहे हैं नो कॉस्ट ई जो कि कभी भी नो कॉस्ट ई नहीं होती है उस केस में एक बार करके देख लेना चाहिए बिल्कुल इनफैक्ट वो लोग कहते भी नहीं है नया जो न्या जो नए रूल्स आए उसमें थोड़े से कुछ है पर ये जो नो कॉस्ट ई एम आई है फॉर इंस्टेंस कि जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो उस पर जी अलग है एंड ये जीएसटी सिर्फ क्रेडिट कार्ड ई एम पे लगती है अच्छा सो so ये वेरी इंटरेस्टिंग है आप अगर एन से लोन लेते हो तो उसका जो इंटरेस्ट है उस पर कोई जी नहीं है क्रेडिट कार्ड पे अगर आप कोई फ्री इंटरेस्ट फ्री ई देते हो इट इज़ लाइक टेकिंग अ लोन ऑन द इंटरेस्ट कार्ड दैट इंटरेस्ट इट सेल्फ जीएसटी। जी एस टी एटीन परसेंट ओके सो वॉट दे मे टेल यू एज अगर आपने कैलकुलेट की भी किया कि चालीस परसेंट hmm. hmm. उस चालीस परसेंट पर आप अट्ठारह परसेंट और लगा लो oh, भाई साहब तो ये अलग है उट गेट द बिल कि यार मेरा ई एम आई तो दस हजार रुपये होना चाहिए दस हजार प्लस हंड्रेड रुपीज क्यों है hmm. क्योंकि वो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट था उस पर उन्होंने जीएसटी लगा के वो जी एस टी एक्स्ट्रा ले लिया है आपके क्रेडिट कार्ड बिल में आएगा ऑन द फर्स्ट मंथ ओके एंड बाई दट टाइम इट बी टू लेट बिकॉज दे सो बिकॉज ऑफ़ दैट वंस यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैर दैन सिंह हाँ हाँ अब देखो मैं माई थिंग इज आई एम आई फाइनेंस का सो आई सी डेंट कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स लाइक क्रेजी ये करूँगा तो इतना ऐसे सो आई फिगर डाउट कि देखो ये जो अमेजोन है अमेजॉन पर आपको फ्री ई एम आई वाले मिलते हैं बट आपके पास अगर अमेजोन का कार्ड हो कोई तो क्रेडिट कार्ड है देन यू बाई यू गेट फाइव परसेंट ऑफ इट एज कैशबैक राइट वो कैशबैक नहीं देते अगर आप ई एम आई पर लेते हो बिल्कुल

खुद से नहीं कर सकते तो हम धीरे धीरे से वी विल सेव एंड वी विल, 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 विल बिल्ड mm -hmm. चलो वो भी ठीक ही है बिकॉज यू आर प्लानिंग टू बाई समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी यू हैव टू स्पेंड समथिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड ऑल दैट देन यू डू दिस मैं इयर रिंग भी खरीदूंगा तो लोन एंड समथिंग एल्स भी खरीदूंगा तो लोन देन यू कैन टेक अ लोन फॉर एवरीथिंग बाई द एंड ऑफ इट यू नो दैट यू आर ओवर ओवरली ओवरलीड तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है इट हैज़ बीन डिजाइन वेरी नाइसली आपको एक तरह से आपको हॉस्टेज रखे आपके हैंडक हैं मोर वी हैंड कॉफ़ यू एंड आई एम सींगिकार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री वी आर पार्टली टू ब्लेमस्टिंग मतलब बड़ा अच्छा है क्या करता है वो कहते तो यही <laughs> <क्रत> है <laughs> ये, ये मैंने भी एक बार बोला हुआ था uh, someone, हम सब ने बजाज फाइनेंस का शेयर ले रखा है बट वो करता क्या है वो चाहता क्या है <laughs> <laughs> Correct. So <laughs> what what are we believing in? <laughs> it is, is, it is <laughs> worse than cigarettes. Right. You can you know you पीपल हु डाई ऑफ हार्ट अटैक बिकॉज दे कान पे देयर लोन बैक एन आर वरीड अबाउट द फैमिली डाई इन जस्ट एज रॉटन मैन आर एज अ पर्सन डाइज ऑफ हेल्थिंग आई थिंक वी क्रेडिट इज अ डिजीज एट सम लेवल एंड क्रेडिट इज वेरी गुड एट अदर लाइक फॉर एग्जाम्पल आई सेट कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कोलिंग टेक अ शॉर्ट टर्म लोन एंड पेड बैक दिस रिक्वायर सो मच डिसिप्लिन दैट समबडी हैज टू रियली नो द सब्जेक्ट नहीं तो वो पचास हजार रुपये का लोन भी ले लेगा और नुकसान भी करवाएगा नुकसान भी करवाएगा एंड ही विल कीप दैट लोन फॉर सिक्स मंथ्स और टेन मंथ्स एंड नॉट पे बैक द लोन विच निगेट्स द होल कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट प्लेस बारह परसेंट पे लोन लोगे आपका दस परसेंट रिटर्न आ रहा है वहाँ पे तो थोड़ा नेगेटिव यील्ड है बट वॉट आई फील एट लीस्ट लॉन्गर टर्म बेसिस पे इज दैट द मोर वी एजुकेट पीपल ऑन दिस ऑल स्मॉल स्टेप्स हेल्प सो so, एक तो ये प्रॉब्लम है कि लोग डिफाइन नहीं कर पाते और डिफाइन कर भी लेते हैं तो लंबे टाइम तक उस पर टिक नहीं पाते दैट इज़ हाउ वी आर हाउ वी आर वायर्ड दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि अब अल्टीमेटली सबको चाहिए हैप्पीनेस फ्रीडम टाइम उसके लिए सबको चाहिए पैसा उसके लिए अब फॉर फॉर द यंगस्टर्स अब हम बात करते हैं कि लोग अभी शादी का प्लान बना रहे हैं बच्चे का प्लान बना, बना रहे हैं विदाउट हैविंग एनी प्लान कि उस बच्चे को रेज कैसे करना है इन टुडेज वर्ल्ड जहाँ पे करियर सी पाँच पाँच साल में बन के ख़त्म से हो जाते हैं वर्ल्ड इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ए, पहले तो वर्ल्ड कैसे चेंज होता है दूसरी बात ये कि पैसा कहाँ है अगर जैसे हम स्टॉक मार्केट के टर्म्स में बात करें कि पैसा अलग अलग सेक्टर्स में मूव करता है कभी आईटी सेक्टर में चला गया कभी यूएस इंडिया से निकल के यूएस चला गया तो वी ऑलवेज़ फॉलो मनी जिधर पैसा है हम उधर ही दिमाग लगाएंगे एज यंगस्टर्स हम ये कैसे स्टडी करें पूरे मार्केट को कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ क्या हैं कहाँ पैसा है कहाँ नहीं है कहाँ हमें अपना एनर्जी लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग चैलेंज क्योंकि अगर हम वो चीज़ क्रैक करके एक अच्छी इनकम आज नहीं जनरेट कर पा रहे हैं तो वो पाँच सौ हज़ार रुपये की ऐसा ही भी करके फिर हम वेल्थ भी कभी जनरेट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आप बिल्कुल एक दो चीज़ तो आप बिल्कुल वेरी गुड पॉइंट बिकॉज ये आइडेंटिफाई करना आई यू माई बिगेस्ट एडवांटेज मैंने ज़िंदगी में पहली बार और एक ही बार जिंदगी में मैंने अकेडमिक्स में कोई सा कोई तो मतलब आई हैव डन ओके दैट वाज इन माय ट्वेल्थ स्टैंडर्ड उसके बाद आई गॉट इन कर्नाटका में एक एग्जाम होता था सी ई का एंड आई गॉट अ वेरी गुड रैंक वेरी अकेडमिकली वेरी वियर्ड बट फॉर मी बट आई वॉज एम ऑर्डनरी का बट इट गेव मी दर्चुनिटी टू चूज एंड आई वॉन्टेड टू चूज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिको इट वॉज द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर डिग्री सेकेंड आई मीन अनादर डिग्री वॉज कंप्यूटर्स एंड लोग कहते थे हाँ ठीक है कंप्यूटर तो कोई भी कर सकता है आप तो मैकेनिकल में भी होकर कंप्यूटर कर सकते हैं बिल्कुल सही है इंजीनियर्स आर बट आई मेट सामबड़ी एंड ही वॉज दफ़ दू नो द इंडियन काउंसिल्ड मी दिसक टेक इट विल चेंज द वर्ल्डी नाइनटी टू सो It was nothing was changing in any world at that point. But <laughs> you know, I said hai, he's saying something and maybe he's right. Hmm. I should take this and I should not because choice choice that you can shift your you if you can shift your branch. Hmm. Uh, if you do really well in your first year, mm -hmm. first year see that you can see that So, So, somehow I was super lucky that computers itself by the time I graduated in 96, India had tried to become hmm some kind of it power of sorts and we i chose that but my choices were limited around 70% of our batch was hired regardless hmm. of degree hmm. by hmm. it companies okay i was incredibly lucky what if the world had not i keep thinking of that other hmm. if, if world hota electronics he subject hmm. you have to do, then today i would be sitting as a computer typist somewhere right now Things are different. So today you have uh, even the world of computers, which is what I studied as engineering, mm. is so obsolete. That if you it, then you need another six months to eight months of training to do mm. something really mm. good at a at a job. So today's world, a lot of new things are coming. So you can say drone mm. at one level. The high-end technology, uh, aerospace, drones, this that and all that stuff. At the other end you have uh, sports and drama and you know I'll give an example of Harsha Bogle. Mm. Harsha Bogle was an MBA uh, without any cricketing experiences, one of the most famous commentators of our time. Hamari time, I mean even now if you see most of the commentators are ex-players. Players become mm -hmm. commentators. How did Harsha Bogle, who is not a cricket player mm. uh, of any national kind of sort,

I think even Picasso made a lot of money only at a later point in his life or uh, most of his paintings sold for a lot of money after he was right. dead. right so uh, you don't want that mm. now okay, mm. what's the point of money for me you know so the you want something that happens in your lifetime then you should marry the passion with something that finds money maybe you do something that you're slightly less passionate about if it has more money mm. it could be a way to target the same thing that you're passionate about but do it so for instance you like teaching children mm. maybe teaching children in a school gives you very little salary right but doing the same thing on youtube building a channel that builds educational content for children mm. has a much larger runway you mm -hmm. can get both sponsorships advertisements long term income short term income everything so it is the way you choose to exercise that passion that gives you uh, money today and वो आइडेंटिफाई करने के लिए आई थिंक टुडे इट्स नॉट इजी फॉर मी टू से देखो ये करो बिकॉज हमारे में तो एक ही था कि इंजीनियरिंग या डॉक्टर दैट ऑज हाउ टू मेक टुडे देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स सो आई कॉन्ट टेल यू दिस एक्जैक्टली वन वे टू डू इट बट आई थिंक यू शुड फाइंड अ वे टू वर्क विद वॉट यू लाइक that combines it with money. it will not be obvious to you from the beginning. Malab, right. apko, when you're in 18 years old, you may not know exactly where the, the long-term passion of this whole thing is, but something changes in the whole world. i'll tell you, at, there was a time in which music, music niche karte na, wo, wo kya equalizers, equalizers. Were, the, there are people who do that right. specifically. Right. they were not well paid. Mm. They were considered hard. Today, they are much higher paid. If you are really a good music person, you can get an enormous amount of money. Mm. Uh, things have changed. Uh, things have changed because people have figured out that people who have that ear and the sense to mm. do this mm. properly are, are are worth every rupee because the music mm. is important to anything that you do. So. Given that things have changed, so maybe the passion that you've gone down the route of and you're thinking yahan pe paisa hai, kuch aur karta that suddenly shifts to becoming so you should also be dynamic. Dekho, agar yahan pe kuch nahin, whatever I liked has now become a waste of time, mm -hmm. and something else is better. I should be able to shift to that. And to answer the second part of the question, what do you do? And is the SIP wala thing. like you mm. mentioned i think also that earnings i don't know you told me ki some other podcaster also said the same thing which mm. i i written this in my book also mm ki in your early days focus on earning more right in the field that you work आप अगर उतना ही पैसा जितना आप SIP आई पी में डालने वाले थे हज़ार रुपये दो हज़ार रुपये आप उसको किसी कोई तो देल बी अ पर्सन हू टीच हैज़ अ टीचिंग कोर्स ऑनलाइन हु टीचर्स यू समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट दैट मेक्स यू मोर नॉलेजेबल दैट कैन मेक यू अर्न मोर मनी जो आपकी इंक्रीमेंटल इनकम है जो आपका महीने का तीस हज़ार अगर आप कमा रहे हो आप तीस हजार से पैंतीस हज़ार कमा सकते हो आप इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट थाउजेंड रुपी एस आई पी पर मंथ यू हैव फाइव थाउजेंड रुपीज़ मोर दैट यू कैन अर्न फ्रॉम जस्ट वन लिटल स्किल इंक्रीज राइट

तो आपके पास अगर दो करोड़ जैसे आपने कहा कि चार करोड़ हैं अगर hmm. चार करोड़ को आप अगर बैंक में ही रखो छः परसेंट पे आपका चौबीस लाख आराम से uh, hmm. साल का आ जाता है विच इज़ इक्वलन टू कि आपने दो लाख महीने का मार लिया बिल्कुल विच इज़ फैंटास्टिक सो एट दैट टाइम आपको इन्वेस्टमेंट के जो इटिग्रिटीज हैं कहाँ एस आई जा रही hmm. है और कहाँ मतलब वेयर एम आई इन्वेस्टिंग दैट इज मोर दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज देन स्मॉल डिफरेंस देयर मेक्स अ वेरी बिग डि ये थाउजेंड रुपी एस आई पी साथ यू जस्ट हैप्पी फॉर डेज बट दैट थाउजेंड रुपीजेंड रूप आई पी बिफोर इट मेक्स डिफ्रेस टूर सो यू शूड फोस मोर ऑन अर्निंग दैट एक्स्ट्रा रुपी रादर देन सेविंगस्ट्रा रुपी सिंपल वे टू पुट इट इज शुरुआत में आपकी जॉब लगी हर साल ऐसे मान के चलते हैं कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 15-20 परसेंट इंक्रीमेंट नहीं दे रहा तो आप स्विच करोगे तो आपको 20-30 परसेंट इंक्रीमेंट मिल जाएगा विच इज हायर देन इक्विटी क्रिप्टो को छोड़ दे तो हायर देन एवरीथिंग एल्स क्रिप्टो में भी कहां मिलता कहा <laughs> नहीं, नहीं, नहीं नहीं क्रिप्टो में आ जाता है बट <laughs> बहुत ही फेयर पॉइंट uh, है कि आपकी सैलरी हर साल बीस बीस से अगर बढ़ रही है तो फोकस ऑन बढ़ाएंगे और सैलरी उसका पार्ट निकाल के उसका एस करके उधर टाइम लगा के अपनी स्किल पे ना री इन्वेस्ट करके आप वो 20 परसेंट की ग्रोथ हेम्पर कर रहे हो जस्ट टू अचीव दैट 12 परसेंट म्यूचुअल फंड ग्रोथ जो कि आपके हज़ार रुपये पे आ रही है बट पहले अपन ने हर किसी की जॉब में एक सॉर्ट ऑफ सैचुरेशन आ जाता है कि एक पर्टिकुलर स्किल पे आप लाख डेढ़ लाख रुपए से ऊपर नहीं जा पाओगे फिर लोग शायद एम करते हैं या कुछ अप करते हैं फिर कुछ और करते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ता है बट आप पचास से डेढ़ लाख दो लाख काफ़ी जल्दी पहुंचते हो या वो कर्व जो कंपाउंडिंग में हमें इन्वेस्टमेंट में लेट दिखता है बीसवें साल में वो यहाँ पे दूसरे तीसरे साल में दिखता है ने भी दो लाख का नहीं हर किसी के लिए अलग नंबर है करेक्ट बट पहले आप बीस तीस परसेंट का रिटर्न अपनी सैलरी से कमाओ उसके बाद यू फिगर आउट कि अच्छा आई एम एबल टू सेव इनफ मनी अगर मैंने पिछले दस साल तक एस नहीं भी किया था उसकी भुगतान मैं एक साल की सैलरी से कर सकता बिल्कुल और... क्योंकि मैं उतना पैसा एस में डालूंगा इट विल भी हिसाब बराबर अब वहीं मेरा दूसरा पॉइंट यह आता है अभी मैंने आपको बताया लोगों को लगता है कंपाउंडिंग वेस्ट हो जाएगी जल्दी शुरू कर देते हैं चाहे दो रुपये से भी करें बट यू कैन ऑलवेज कैच अप वो अब वो क्या है जिसको वो परसेंटेज सिस्टम समझ आ रहा है ना कि हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स वो समझ जाएगा कि ठीक है मैं पाँच साल बाद भी करूँगा तो मेरे लिए कंपाउंडिंग बिल्कुल सेम काम करेगी और शायद उससे ज़्यादा ही कर जाएगी बट लोग वहाँ रिजिड हो जाते हैं जिनको नहीं समझ आता कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है पंद्रह हज़ार की सैलरी में से निकाल निकाल के या कोई स्टूडेंट है तो वो अभी से एस आई पी करने लग गया है ही कैन प्रॉब्ली बाई सम कैमरा गिटार ट्रिप मार के आओ अब इतने अब जैसे मान लो आप फैमिली वाले हो ठीक है आप हर साल पाँच बार बंजी जंपिंग नहीं जा सकते देर अ लिमिट टू इट करेक्ट है ना बट एज यंगस्टर वो जा सकता है बट नहीं जा रहा एस आई पी कर रहा है एस आई पी हाँ वो एक चीज़ है यार hmm. ये दिस आई थिंक सुपर पॉइंट बिकॉज आई फील एंड दिस दिस इज मी क्वेट ऑनेस्टली सेंग दिस पैसों का एक ही यूज है hmm. खर्च करना hmm. आप चाहे आज खर्च करो उसको आप कहते हो स्पेंडिंग hmm. कल खर्च करो आप कहते हो इन्वेस्टिंग <laughs> <laughs> तो अगर आप कल भी नहीं खर्च करोगे hmm. और आज भी नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है पर आज इसलिए नहीं करोगे क्योंकि कल करना है और कल वो चीज़ें नहीं कर सकते हो आप जो आज कर सकते हो और जिससे आप आपको यू you नो know, खुशी मिलती है देन यू आर स्क्रूइंग योर सेल्फ फॉर नो रीजन आई नेवर सेव्ड एनी थिंग फॉर फर्स्ट इयर्स ऑफ माई लाइफ आई वॉज बैंक बोरो मनी फॉर माई वाइफ टू बाई अ फ्रिज बट दैट वॉज हाउ आई वॉज आई वॉज लाइक डूड आई एम एन्जॉइंग माई सेल्फ आई हैव टू एन्जॉय माई सेल्फ एंड आई हैव टू ट्रैवल आई विल डू थिंग्स आई विल स्पेंड माई मनी एंड आई बेरली हैड एनी सेविंग्स ड्यूरिंग दिस टाइम एंड

बिकॉज वेन यू डाई यू विल ओनली रिमेंबर द एक्सपीरियंसेस यू विल नॉट रिमेंबर द मनी कोई ये नहीं कहता कि यार आई एम गोइन टू द हॉस्पिटल उस दिन ना उस दिन मेरी सैलरी आई थी ये कहते हैं कि यार मैं बच्चों के साथ सिंगापुर गया था हम लोग एफ वन देख रेस देख के आए हम लोग उस कोने में बैठे हुए थे और तब उस रायकोरेन की गाड़ी यहाँ पे आके स्टॉप हुई थी वगैरह दैट इज एक्सपीरियंस यू रिमेंबर एक्सपीरियंसिस यू डोंट रिमेंबर यू नो इंस्टेंसिस ऑफ जस्ट अर्निंग मनी तो ये एस आई पी का चक्कर है ना वो बहुत फ्रॉड है एक तरह से वो हमेशा लोग समझते हैं तीस साल तक दस हज़ार रुपये का एस आई क्यों करोगे यार तीस साल बिकॉज आट सम पॉइंट योर सैलरी इज इंक्रीजिंग फाइव सिक्स परसेंट एवरी ईयर तो आपका खर्चा भी अगर पाँच छः परसेंट ऊपर हो रहा है योर सेविंग इज इंक्रीजिंग फाइव सिक्स परसेंट एवरी ईयर सिक्स परसेंट आप अगर इंक्रीज कर रहे हो दस का जो सेविंग है वो बीस हो जाता अबाउट रफली टेन ईयर्स में हाँ जी

बीस साल तक चलाता है जो भी एट ही गेट्स ट्वेल्व परसेंट रेट बिकॉज लॉन्ग टर्म निफ्टी में ट्वेल्व परसेंट रिटर्न तो ट्वेल्व परसेंट उसको मिल जाता है mm -hmm. दूसरा बंदा है जो दस हज़ार रुपये साल का डालता है वो डालता है बॉन्ड फंड में जिसमें mm -hmm. सिर्फ आठ परसेंट मिलते हैं और वो रखता है बीस साल बट उसका एक ही डिफरेंस है हर साल टेन थाउजेंड इंक्रीजेज बाई टेन परसेंट ओके एब्सोल्यूट वैल्यू एट द एंड ऑफ ट्वेंटी ईयर्स पर्सन बी इज हायर

आपको इंसान को बैंक में पैसा ज़्यादा देखने की आदत हो गई है या फिर उसको चाहिए कि नहीं अब और ज़्यादा खर्चे कर लेता हूँ वो हमेशा बैक बैक सीट पर चला जाता है वो एक्चुअली वो आँखें बंद करके बैठ गया कि मुझे मत सोचने दो डोंट फोर्स मी टू इवन थिंक अबाउट इट क्योंकि इफ आई थिंक अबाउट इट आई विल आई विल बी गिल्टी और फिर मुझे करना ही पड़ेगा तो वो किसी ने समझा दिया एस आई पी इज़ बेस्ट उसने मान लिया एस आई पी इज बेस्ट किसी दिन वो बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करेगा तो उसको खुद ही समझ आ जाएगा कि मेरे को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है करेक्ट और इस वजह से लोग वो कंपाउंडिंग वाले कैलकुलेटर्स होते हैं ना इंटरनेट पर उनको एक्सप्लॉइट हाँ। करते रहते हैं ज़बरदस्ती हाँ। कि मैं अमाउंट तो छोटा सा डालूंगा पीरियड भी कम कर देता हूँ चलो बीस साल में दस साल में कंपाउंडिंग करते हैं अब वो करोड़ों रुपये का नंबर अचीव करने के लिए मेरे को बस अट्ठारह ही तो चाहिए रिटर्न

बारह यार इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है छः परसेंट hmm. समझ लो लॉन्ग टर्मी सात परसेंट चल रहा है छः परसेंट लॉन्ग टर्म इकोनॉमी ग्रो करेगी छः परसेंट इन दोनों को मिला दो बारह परसेंट उतनी उतना ही मिलेगा आपको इक्विटी hmm. में लॉन्ग टर्म में लेट अस से वी ट्राई फॉर मोर बट आई टेल एवरीबडी आप हम यही सोच के चलो कि बारह अगर इंडिया देगी तो आपको बारह ही मिलेगा लॉन्ग hmm. टर्म में hmm. अगर वही वो, वो उससे अगर आपका काम नहीं चलता है देन यू आर गोइंग टू गोन्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्क ये रिस्क ना यू शुड नॉट टेक इन इन्वेस्टिंग इन अदर पीपल्स कंपनीज आप अपनी खुद की कंपनी बना लो आई टेल यू सम ऑफ ऑफ द पीपल विद अस आई नो फ्रेंड्स माइन बिल्ट अ बिजनेस स्टार्टिंग में वन लाख रुपीज एंड टेकन दैट बिजनेस टू मेक इट वर्थ हंड्रेड करोड़ रुपीज मैंने कहा मैं आपका रिटर्न कैलकुलेट करने लग गया अगर तो कोई भी स्टॉक मार्केट आपको बीट नहीं कर सकता ट्रू नो बडी कैन डो सो यू इफ आई फाइव फाईवर टू से दिस देन You should take your money, if you want the maximum risk, go start your own business. Do mm. something that you can control. Mm. Aap ja ye company quarter hoga. Mm. You know, the worst is over, ye, wo mm. drama. But you have to listen to them. You have mm. no control over mm. your investment. Mm. In, if you really want high returns, go for a model where you can control your returns. Otherwise, expect twelve percent. True. सो वंस यू stepped ऑफ hmm. from द गैस यू आर नो लॉन्गर इन द कार तुम ऊबर ड्राइवर के पीछे बैठे हो वो साठ पे चलाएगा एंड hmm. वो साठ पे चलाएगा वो तो दिल्ली में चलाएगा बैंगलोर में तो बीस पे चलाएगा <laughs> बीस पे भी नहीं बीच में आपको रुक के शायद चल के जाना पड़ेगा बिकॉज भी फास्टर हम ऐसे है वो कहते हैं ना कि हम इन्वेस्टिंग करते ही क्यों हैं बाकी मार्केट में छोड़ो इक्विटी मार्केट में क्यों करते हैं क्योंकि हमको पता है कि वन ऑफ द फास्टर वेज टू बिकम रिच इज टू ओन अ बिजनेस अब हम शेयर्स क्यों खरीदते हैं बजाज फाइनेंस एच क्योंकि हम एच जैसी कंपनी खुद नहीं खड़ी कर सकते तो चलो उसके भागीदार बन जाते हैं उसके हिस्सेदार दैट्स वॉट वी कॉल अ शेयर शेयर होल्डर मतलब हिस्सेदारी करेक्ट अगर आप खुद अगर आपके पास वो पैसा है ही और अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो इट एब्सोल्यूटली मेक सेंस कि आप एच मत बनाओ बट एक सौ करोड़ की कंपनी आप बना सकते हो पचास करोड़ की बना लो दो करोड़ की बना लो बट उधर आप एक लाख लगा के करोड़ों में जल्दी पहुंच जाओगे वर्सेस कि आप HDFC में एक लाख इट्स इट्स इट रिक्वायर्स मोर हार्ड वर्क आप आप शेयर खरीद के भूल जाओ उसको भूल जाओ वो तो राजीव जैन काम करता रहेगा आपके right. लिए है ना बट दैट्स इट इज ऑफ दंड्रेड एक्स इन सो इट्स फेंटेस्टिक बट विल इट डू हंड्रेड द नेक्स्ट एन इयर्स वी के नॉट से वो आपका फिर आप कहते हो कुछ बजाज फाइनेंस नहीं तो तो फिर दस कंपनियाँ खरीद लेंगे डाइवर्सिफाई hmm. कर लेंगे इंडेक्स ही खरीद लेंगे पचास कंपनी तो इंडे, जितना इंडेक्स का ग्रोथ होता है आई विल गेट दैट मच ग्रोथ ऑल दीज आर गुड स्ट्रैटीज बट यू शुड टेम्पर द एक्सपेक्टेशन इसमें आपका कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि निफ्टी का रिटर्न क्या है आप अपना इन्वेस्टमेंट जरूर बढ़ा सकते हो तो आप जितनी कोशिश करके इन्वेस्टमेंट सो इन्वेस्टमेंट अगर ऐसा भी है कि लोग कहते हैं कि देखो आई वॉन्ट टू वर्क टिल फिफ्टी फाइव फॉर दैट आई वो तो मेरे पास है नहीं मैंने कहा ठीक है नहीं नहीं अच्छा फिर सिक्सटी फाइव थाउजेंड ठीक है ना इज़ दैट मैनेजेबल इफ दैट्स नॉट वर्क टिल वाई आर यू ट्राइंग टू गेट मोर रिटर्न जो फॉर आई मीन इट्स लाइक गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड हंड्रेड ट्वेंटी है मेरे को चलानी हंड्रेड एंड फिफ्टी पे है राइट तो मतलब जाएगी नहीं ना नहीं फिर एट सम पॉइंट यू हैव टू इधर बिगर कार और और यू हैव टू चेंज योर एक्सपेक्टेशन कि मैं लेट हो जाऊंगा सो दट इट्स परफेक्टली फाइन उसमें क्या प्रॉब्लम है आई एम सो डिफरेंस बिटवीन फिफ्टी फाइव एंड सिक्सटी इज नॉट वेरी मच So people retiring at 30, I don't even know what they're thinking, mm. but retiring at 40, retiring at 45, you can spend five more years, live your life in relative mm -hmm. ease, mm -hmm. just spend a little more and control what you can control is what you have. Of course, there are people in the business who mm. have spent their lives and earned 25% returns. Mm. Jitna kaam unhone शायद अपनी बिजनेस में मतलब hmm. जैसे मैंने बिजनेस बनाया मैंने बिजनेस ये बनाया कि मैं लोगों को हेल्प करूंगा इन्वेस्टिंग में और हम कंपनीज ऐसी चुनेंगे जिसमें hmm. so कि रिटर्न हो होपफुली सो आई ऑल्सो चोजन टू से माय बिजनेस इज़ टू हेल्प फाइंड ग्रेट बिजनेस यू कैन नेवर प्रोडिक्ट क्या होगा एंड वेन यू के नॉट यू हैव टू कहते ना कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस

उसका टाइटल रखा था कि लेबर लॉ एडवाइज़र इज़ अ तुक्का <laughs> वो तुक्का इसीलिए था क्योंकि हम पहले थोड़ी पता था कि चैनल बन जाएगा सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे पहले तो मज़े मज़े में बस ट्राई करके ना जब आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखोगे तब तो आप लिखोगे कि मैं तो जानता था <laughs> मैं पैदाइशी यूट्यूबर था यू नो मै वेन आई वॉज अट द प्रॉब्लम रियली इज दिस ओके ये जो ऑटोबायोग्राफी बनती है यूजली जो बनाते हैं वो कहते हैं कि तो इसमें इन टैलेंट वगैरह बट लॉट ऑफ लाइफ इज लक माय फर्स्ट बिजनेस वी स्टार्टेड कि हम बिजनेस बनाएंगे हमने पांच लिस्ट लगाए वो जो भी hmm. हमारे कॉन्टैक्ट थे कि यहाँ से बिजनेस आएगा ये नॉर्वे वाला जो बिजनेस था लास्ट hmm. चांस hmm. well, ही नहीं कौन देगा नॉर्वे hmm. से बिजनेस एंड एंड में दैट बिकेम आर बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द नेक्स्ट थ्री ईयर्स सो यू कैन इट्स इफ यू डोंट हैव एनफ अपॉर्चुनिटीज यू डोंट हैव अ चांस फॉर लक टू हिट यू ट्रू

अगले दिन स्कैम अगले दिन स्कै, स्कैम <laughs> कभी कभी तो ऐसा होता है कंपनी भी कुछ नहीं करती है uh -huh. राइस के एक्सपोर्ट बंद कर दिए uh -huh. गवर्नमेंट ने अरे भैया हमारी कंपनी राइस ही एक्सपोर्ट करती है बुरा थोड़ी <laughs> करती है पर गया बस जीरो वो नोएडा टोल ब्रिज दिल्ली में डिस्टेंस साहब था लोग बैठ के कैलकुलेट करते थे इतने टोल हैं इतने ट्रक जाते इतने काम ये उसका वो डी बना लिया पाँच साल का कि मैंने वो पाँच साल बाद इतना कमाएगा इसकी वैल्यूशन ये होगी और तो हम ये एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो टोल हटाओ <laughs> वो कंपनी ज़ीरो <laughs> वो फोटो लड़ाओ पसंद नहीं आ रहा पसंद नहीं आ रहा बस वो आपने क्या मतलब आपने तो काम अच्छा किया ना इतना एक्सेल में फार्मूला बनाया था कलर कलर लगा के सेल पे लेकिन फिर हुआ नहीं कुछ तो ये ये मैं सर हमारे एडिटर के साथ करता हूँ जो अभी बिहाइंड द कैमरा है मैं बोलता हूँ कि मैं शाम को आ जाऊँगा पूरा पॉडकास्ट और ये वीडियो ऐसे 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 धूम मचा के एडिट करके रखना शाम को आगे मैं बोलता हूँ नहीं नहीं यार मजा नहीं आ रहा वापस से करते बेचारा है तो गेट फ्रस्ट्रेटेड कि ये है या फिर आप ऐसे बनाओ कि सारे अपॉर्चुनिटीज बना लो hmm. तो एंड में कुछ तो निकल जाए बिकॉज इन दी एंड जैसे तुक्का hmm. जिस चीज को बोलते हैं हम hmm. इसको भी डाइवर्सिफिकेशन ही बोलेंगे एक तरह से बट इन इन लाइफ लॉट ऑफ इट इज सी पीपल डोंट लाइक टू से लक मैंने काम किया ना मैंने कंपनी ढूंढी मैंने इतना मैं बैलेंस शीट में देखा मैं तो मेरा काम था आई फाउंड इट आई आई अर्न द मनी एंड आई वाज दे डोंट वैल्यू द द द पावर ऑफ लक इन देयर इन देयर इन्वेस्टिंग आउटकम्स फॉर श्योर बिकॉज इन्वेस्टिंग आउटकम्स आल्सो बट आई थिंक इन लाइफ आउटकम्स आल्सो यू आर द राइट प्लेस राइट टाइम इन अ ग्रेट प्लेस आई मीन इफ यू आर इन दू एस ड्यूरिंग द डिप्रेशन आपने क्या बुरा किया था यू आर बॉर्न दट एस वैन थ्रो डिप्रेशन अब मैं उसके बाद यू यू सफर्ड द फर्स्ट टेन फिफ्टीन ईयर ऑन दिसियोरी ऑन दिसट दीपल आर इंफ्लुएंसड बाई द वे द वर्ल्ड वॉज वेन दर्न एटीन सो वैन एटीन इफ दर्ज इफ द कंट्री वॉज इन रिसेशन तो आपकी हमेशा इन्वेस्टिंग कंजर्वेटिव ही रहेगी ये साइकोलॉजी ऑफ मनी में था इसमें आई थिंक कोटेड वन ऑफ दिस गाइज सो यू बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड यू Put it in the terms that you imagine the world to be. And if you are conservative at the age of 18 to 20, 21, you're going to stay conservative for a really long time. Which mm -hmm. is why mm -hmm. we are a little bit more conservative in our approaches. So I came to about 18 to 22 at a time when India was starting to come out of a recession. So, mm -hmm. 1992 1992, there was the scam, and India had this major issue with the uh, mm -hmm. Forex crisis in 1991. So, we there was hardship.

People came out and then I got the best of our liberalization. Sorry, mm. foreign companies are going, ye wo, wo mm. ye, all that stuff. But people who graduated maybe six years earlier than me, they struggled far more than me. They mm. didn't have jobs, they they didn't have easy jobs right. as compared to yeah. us. Yeah. Uh, uh, so, this difference also dictates the way you, you invest. And I think. टूडेज वर्ल्ड आई डोंट थिंक देर कैन बी एनी एक्सक्यूज बिकॉज अब क्या कमी है यहाँ पे तो लिटरली अदर देन बैंगलोर विच डज नॉट है लोग फिर भी यहाँ काम करने आते हैं कंटिन्यूइंग टू वर्क एंड ऑल दैट वी हैव एन अबंडस ऑफ अपॉर्चुनिटी आप नीचे जाओ इसी बिल्डिंग में स्टारबक्स है hmm. पांच स्टार्टअप हो होंगे अलग अलग चेयर्स पिच कर रहे होंगे <laughs> मैं कभी-कभी सोचता आपको right <laughs> वहां जाके तीन लोगों को इंटरव्यू करो आप यार मैं जो रैबिट है ना रैबिट का जो टीथ है ना उसका मैं स्टार्टअप बना रहा हूँ और वो उसके लिए भी एक इन्वेस्टर होगा बिकॉज विद दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इट इज अमेजिंग एंड आई डोंट थिंक पीपल शुड कंप्लेन दैट ये आर कमिंग आउट ऑफ कमिंग टू एज इन दिस वर्ल्ड एंड देयर फॉर टेक रिस्क आई थिंक टेकिंग रिस्क इन यर ओन बिजनेस और टेकिंग रिस्क विद योर इन्वेस्टिंग बोथ सीम टू बी मच मच इजी नाउ Take risk and learn from your mistakes. And learn from mistakes. You'll fail a lot of times. You'll fail so, a lot of times, but, but in life, end, yes. you are likely to succeed. Yeah. So because yeah. as long as your failures uh, don't kill you, hmm, right? So you know uh, there was this guy who says, uh, uh, seinfeld Mathew." Uh, there was a dialogue. He says nowadays everything is extra strength, <laughs> and or fast acting or long lasting so you know mm. everything is that extra extra <laughs> extra strength ka hota hai, find out what will kill me right. and back it off a little mm. bit so you know that I think that is the attitude we are in mm. it right mm. now so uh, luck I think um, plays a role in all our outcomes mm. in life in general mm. I think this time uh, India has been dealt a relatively lucky hand today if you were in Ukraine worst time to be there mm. the same 18 year old <laughs> boy who is sitting in Ukraine is probably thinking boss what economy is finished for a while at least. True. Nothing to look mm, forward mm, to. Mm. Whereas you're sitting in India and thinking everything to look forward to. Just a few thousand kilometers has changed outcomes of persons thinking for you know, for the rest of life, mm. for generations. Mm. So it's going to be I mean it's a it's a very different thing. And of course this is very philosophical. But इट डजेंट मीन दैट यू नो छब छोड़ो यार जाके क्रिप्टो में सारा पैसा जो भी चीज़ में सारा पैसा लगा देंगे वो जो होगा देखा जाएगा बट इट ऑल्सो मीन्स दैट यू नो यू कैन टेकल मोर रिस्क देन एफ डी एट समिंक मोस्ट आई डोटल अब आप अंडर कमिट करके मुझे ऐसा फील आ रहा है <laughs> <laughs> नहीं नहीं ऐसा ओवर डिलीवर तो लक से ही होता है तो देखो इट्स लाइक आई विश आई कुड से दैट इट वाज ओनली स्किल आई 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 विश विश कुड कुड से से दैट अग्री बट आपका अप्रोच ऐसा है ना कि आप उसको चढ़ा नहीं रहे हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको अगर किसी दिन ज्यादा रिटर्न आ भी गए ना तो भी आप उसको शायद यही बोल रहे हो कि आ गए हमेशा नहीं आएंगे और <laughs> मैं नहीं अनूप मैनेजेज द मोमेंटम पोर्टफोलियो एट कैपिटल ही सेड कि यार ये लोग पिछले तीन महीने का रिटर्न लेके और लोग आ रहे हैं यार ये लोग फसेंगे बिकॉज दे विल दे विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट दैट यू कैनोट एक्सट्रापोलेट ट्वेंटी इन थ्री मंथस टू ओ ट्वेंटी इन थ्री मंथक ईयर एटी परसेंट इयर इज वो नहीं होता है यार ट्वेंटी इन थ्री मंथ्स समटाइम्स रिमेंस ट्वेंटी परसेंट फॉर द सम समटाइम्स इट बिकम्स फोर्टी परसेंट समटाइम्स इट फॉल्स बैक टू टेन परसेंट यूनॉट करेक्शन और लॉन्ग टर्म एंड वी बीन लक्की द लास्ट थ्री इयर्स एंड इट इज अ फिलोसफी यू हैव है कॉम्बिनेशन ऑफ लक टाइमिंग एंड पर सो यू नो दैट इज हाउ यू शुड लोकेट इट देन यू विल ऑलवेज नवर ओवर हाई प्योर रिटर्न ये जो फंडा होता है कि जो ट्विटर है ट्विटर के पे लगा देते हैं दस लाख बनाया दिन पे यार तो मतलब तो गाड़ी खरीदो ना यार सर मैं सही बता रहा हूँ आपको बढ़िया पैसा कमाना है फॉर एक्स ट्रेडिंग कर लेना एक सर एक परसेंट रिस्क है एक परसेंट और क्या रोहन सिखा देगा आपको मैं, मैं मैं बस <laughs> मैं भी, मैं मैं, मेरे अभी मतलब <laughs> मैं मेरा अभी मैं, अभी एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ उसके बाद आई नो आई फाइंड दिस सरप्राइजिंग देखो हमारे बिजनेस में तो हम कह भी नहीं सकते वी के नॉट इवन गिवन इंडिकेटिव रिटर्न वी के नॉट इवन से कि आप पाँच परसेंट कमा सकते हो पक्का पक्का बट पीपल आर आउट देयर ऑन ट्विटर सेनी थिंग दे वॉन्ट और ऑन यूट्यूबर्स एनी थिंग दे वॉन्ट एक तो हमारे पोर्टफोलियो का किसी ने यूट्यूब पे वीडियो डाला कि कम से कम अठारह परसेंट तो आई जाएगा हमने कहा ये हेलो ये आपको किसने बोला हम एंड वी हैड सेंड अ कमेंट सेइंग नो 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 डोंट फिर वो कमेंट भी डाउनवोट हो गया <laughs> तो मैं कहा भाई ये मतलब हम ही को नहीं बिलीव कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मत करो इसको बिलीव बट इट्स इट्स वन ऑफ द सैड पार्ट ऑफ लाइफ है इट्स आई थिंक लाइक यू सेड इन एंड ग्रीड एंड फियर इट ड्राइव्स यही चल comes. रहा है सर पूरा यही चल रहा है कभी कभी हम भी कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़ा टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये तो गलत अप्रोच थी बट वो ड्राइविंग फैक्टर्स है कि फ्री ग्रीड और फियर एकदम से आप, आपको एक्टिवेट कर देता है एक बार के लिए डिस्ट्रैक्ट कर देगा फिर शायद आप पीछे आ जाओ बट एक बार हो जाता है एक बार नहीं और होना भी चाहिए इन देंस अगर आप वो क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी तो आप दिखोगे कैसे क्या पता कि कल वही हो अगर जो पहले पहले क्रिप्टो में आए थे जब बिटकॉइन सौ डॉलर का था वो तो अभी भी हंस रहे हैं कह रहे हैं ये तो आपको पता ही नहीं था हमने तो देखा था सौ रुपये पर, 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 पर ले लिया सौ डॉलर पर ले लिया मैं कहता हूँ मेरा मेरे को क्या पता यार कल बीस डॉलर पे आ जाए आई स्टिल डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट बट दैट्स फाइन दैट्स हाउ आई एम बट हु नोज दैट टूमारो दैट बजाज फाइनेंस अ फाइनेंसमॉल कैप एंडीवियसली सो वैल्यू इन एट दैट टाइम हु नोज दैट द नेक्स्ट बजाज फाइनेंस इज नॉट हैंंगराउंड राइट नाउ

अब इसमें इसमें आपने एक बहुत अच्छे पॉइंट बोला था कुछ टाइम पहले करियर रिलेटेड कि हम किसी चीज़ में हमें पैशन दिखता है बट इनफ पैसा नहीं दिखता तो वी शुड बी एबल टू तो, वी शुड बी फ्लेक्सीबल इनफ टू तो स्विच एक्चुअली बिजनेसिस भी तो वही करते हैं पिवेट करते हैं वो कि सोचा कुछ था किसी को नहीं पता आगे जाके क्या बन जाएगा जहाँ पैसा दिख रहा होता है थोड़ा मेहनत वहाँ पे अल्टीमेटली जाती है हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये बिज़नेस हमने ये सोच के बनाया था फिर लोग बैक स्टोरी लिखते हैं बैठ के टी टी वी इंटरव्यू पेपर इंटरव्यू के लिए सोच के लिखते हैं हमने नीड देखी थी मार्केट में मेरे को रात को सपना आ गया था तो मैंने ऐसा कर दिया जबकि वो पूरा मैन्युफैक्चर्ड है हुआ ये था कि ऑन द वे उनको दिख गया कि यहाँ पैसा बनता है सर एंड में एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं आपको ऐसे कौन से क्लाइंट्स लगते हैं या उनकी कौन सी ऐसी हैबिट लगती है कि काश ये नहीं करेंगे ना अगर तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आई थिंक लोग शॉर्ट टर्म में लाइक रफली वन ईयर में दे फील वेरी जिटरी अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट रफली वन ईयर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करो आज एंड यू से दैट आई विल गिव इट लॉन्ग टर्म हम लॉन्ग टर्म को एक साल समझते हैं वो इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म का इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है ना वो भी कहती है कि एक साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस्ट पर एक साल को लॉन्ग टर्म होता ही नहीं है एक है। साल में तो बहुत कुछ हो सकता है बिजनेस साइकिल के लिए इट टेक्स थ्री फोर इयर्स आई थिंक मोस्टली पीपल इवेल्यूएट इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टार्ट गेटिंग वारिड अबाउट देर इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर अ ईयर विच इज़ वाई वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि अच्छा ये स्टॉक आपने खरीदा लेकिन काफ़ी टाइम हो गया कुछ नहीं कर रहा है

और वो तीसरा परसेंट आपको एफडी में नहीं मिलता तो आप तीसरा तीन सा दो साल पहले आप इन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर को एग्जैक्टली सितंबर टेंथ को ट्वेल्थ को आप पैसे निकाल के mm. आप एफडी में डालते और mm. अब इस टाइम पे वॉट एवर नेक्स्ट सस्ट सो दैट इज इम्पॉसिबल सो देर फॉर यू हैव टू इन्वेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट आई थिंक इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हावेवर नाइन्टी परसेंट ऑफ आ कस्टमर, नाइन्टी नाइन ऑफ अर कस्टमर्स सिंपली हैव अ लॉन्ग टर्म दे सिंप्पली टेल्स कि देखो हमने आपको दिया हुआ है आप करो इसको आगे एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ देम केम एट अ टाइम वेन द मार्केट्स डाउन इन द टू थाउजेंड एटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी सिंसियरली ग्रेट रिटर्न सम ऑफ देम एक्चुअली केम टू वर्स विद दिस सिंग आई डोंडरस्टैंड मार्केट्स मेरे को अगर दस बारह परसेंट मिल जाए ना एंड में I am very happy. I find that one challenge. The other uh, challenging aspect, I think, is that everybody in India, regardless of whether they are educated, uh, this, that, or you know, even in the fund management mm. business, we like to chase excitement, mm. the fear of missing out, right, and the greed of what is going to happen. Every day, there will be enough of both emotions, and we have to temper down both emotions. Mm. Four, five months ago, with Ukraine ka war, everything is going mm. to go mm. to the pits. June, June, June end May, mm. I remember we were having a conversation. They said, Should we just take the money out of equity completely mm. and keep it? So, not a good idea at all. Which, this is not the good idea to move it out. But it looked like that. It looked like the world would come to an end. Right. It would like toh, malala, Europe freeze, America recession. Mm. Ah, ho और क्या चाहिए रशिया तो है ही नहीं और चाइना में ड्रामा हुँ. तो फिर क्या वो इंडिया क्या करेगा बेचारा अकेले और सडनली टू महीने बाद इंडिया ही करेगा हुँ. अब वो भी थोड़ा ज्यादा हो गया कि इंडिया <laughs> खुद थोड़ी कर सकता है तो पूरी वर्ल्ड आएगी तो हम भी तो थो थोड़ा सा अफेक्ट होंगे बट द डिस्टेंस बिटवीन द इमोशन टू मंथ्स इट्स ऑलमोस्ट लाइक बच्चे को शुगर दिया हुआ है ना तो अगर बच्चे को शुगर देते हो तो उसका बहुत इंथ हो जाता है एंड देन इट गोज डाउन अ लॉट बिकॉज ही स्पेंड्स स्पेंड्स टू टू मच मच एनर्जी एनर्जी सो दे गुड इन इट्स लाइक वी आर ऑल किड्स विद टू मच शुगर दैट्स हाउ इमोशंस आर दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज इन्वेस्टिंग इज नॉट रैशनल वी आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द सेम इमोशंस हम उनकी बात सुन के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम सोचते हैं यार थोड़ा सा पैसा निकाल देना चाहिए mm. थोड़ा सा इक्विटी कम करना चाहिए तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट

एजुकेटेड पर्सनज सीन मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम ऑल्सो दीपक हो गया यार्केट अभी कभी नहीं आएगा वापस सेल एवरीथिंग दैट इज ऑल्सो एंड यू आर हियरिंग मोर ऑफ दट यू आर ऑल्सो टाइम वैन यू शुड बी डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट वी आर टूडे समवेर इन द मिडल सो आई कान टेल यू वेदर इट इज वन एक्सट्रीम ऑफ द अदर बट इट डज सीम लाइक द एक्सट्रीम एंड ऑफ दीज इमोशंस आर ऑपर्चुनिटीज टू बोथ बाय एंड सेल मतलब जब एक्सट्रीम बैरिशनेस होगी सब खत्म होने वाला है ये वाला पार्ट देन देर इज देर इज नीड टू एक्ट काउंटर टू द इमोशंस एंड बाई एंड एक्सट्रीम यू शुड बी वेरी केयरफुल विच हैपेंड क्रिप्टो में चालीस हजार गया था फिर साठ हज़ार चला गया अब तो जाएगा हंड्रेड वन मिलियन टू वो लोग काउंट भी कर रहे थे <laughs> मैं अगर वन मिलियन होगा तो मैं इतना कमाऊंगा ये वो mm. ये वाली गाड़ी mm. लूंगा अब क्या मतलब सो योर यूर यूफोरिया लास्ट इन एनी इन दिस मार्केट्स एंड दिस दिस इज द क्लिनिकल थिंग दैट आई थिंक ऑल फंड मैनेजर्स इन जनरल शुड विल ऑब्जर्व Right. There will always be these extreme emotions in hmm. the market. Hmm. And most fund managers that I know of also are hmm. very good at identifying this. Ki true, true, true. Markets may or hmm. emotions as hmm. the difference between the two tells you that there is an opportunity. And that is the you know, that's that that is when hmm. wo na ki, if you're going to I I don't know if you've ever been fishing. No. If you go fishing in video games i have been to fishing oh. video games but sometimes it takes hours or if you are a photographer if you are trying to take a wildlife photography mm -hmm. shot you have to wait for hours to get one shot mm -hmm. but when the shot comes you have to take it right that is the point which you take because if you miss that then another it's gone for mm. so the same thing with fish if you are fishing you are going to get the opportunity and that is the time you will you'll, you'll be able to take that opportunity mm -hmm. anything yeah, the same with investing. Hmm. There will be a lot of times when you can't, whatever you do, either make money for everybody or it'll, but it's the times of these extremes when you get the moka, mokke pe choka wala funda, is right. that mokke pe chokka is what makes stock markets happen. Hmm. You, if you are not invested during those times, hmm. then you will not make great returns.

एंड पीपल आर कि ये तो ऑल टाइम है कम कहाँ है नहीं कम है अब देखो कंपनी को अब हमने कंपनी क्यों देखी बिकॉज इट इज है अगर हम देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग एक दैट इज अनादर पॉइंट की हम इसलिए खरीद रहे हैं कि और लोग खरीद रहे हैं इज अ डिफरेंट पॉइंट बट आई एम ऑल्सो सेर इज अ जेम दैट इज ट्रेडिंग एट अ हाई प्राइस एंड यू शूड बाई इट एट हाई प्राइस बिकॉज दिस अ जेम Not because right. it's at a high price. This is a great company. Bajaj yeah. Finance high, high bana ke to itna mm. He has gone this way. So anywhere in the middle if you had bought at the high, you would have still made a lot of money. True, true, true. true. So sometimes it is counterintuitive where mm. the really opportunities are. But that's where I think uh, so you have to become counterintuitive at some point mm. to be able to make great returns in the market. Um, and it's very difficult because we struggle with our own biases. That's right. the ऑल्सो वट यू सेड अबाउट इमोशंस इस पर एक स्टडी हुई थी कि जब जब मार्केट ने अंडर uh, परफॉर्म किया है चाहे आज मान लो निगेटिव में क्लोज हुआ या कल पॉजिटिव में क्लोज हुआ अगर आप उस दिन के वर्ल्ड वाइड टॉप हंड्रेड सॉन्ग्स को एनालाइज करोगे और अगर वो थोड़ा सैड वाले सॉन्ग्स हैं तो मार्केट गिरा है अरे वाही वाले सॉन्ग्स हैं तो बात कर रहा हूँ दिखा नहीं है मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा इस पर मैंने शॉर्ट बनाया था आ, बहुत लोगों को अजीब लगा लॉजिक ही क्या मतलब है मैं सैड गाने सुनूंगा तो मार्केट गिरेगा कई ऐसा नहीं है कि आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो खुन्नस खा के एक आपने बेच दिया कुछ वो सबकॉन्शियसली हो रहा है वर्ल्ड वाइड कि आपने गाड़ी चालू करी रेडियो पे वो गाना बज रहा है हाँ ऑफिस चले गए लॉबी में वो गाना बज रहा है तो अगर करोड़ों लोगों के साथ एक साथ ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर है वो उसने बस एक कोरिलेशन बताया बहुत स्ट्रॉग नहीं है बट इट डेफिनेटली मेक डेफिने सुनता भी तो पॉडकास्ट ही आता है सारा टाइम तो वो थोड़ा सा मतलब आई डोंट इवन नो वर्ट द टॉप लिस्ट आर हम जो जब लॉन्ग ड्राइव करने जाते हैं तब हम लोग गाने सुनते हैं

स्ट्रगल लिख स्ट्रगल स्ट्रगल लिख और Struggle. अभी 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 तो वो लेवल नहीं आया है कि कुछ किताबें लिख दें बट क्या पता यार वी ऑलवेज वी ऑलवेज टॉक अबाउट द स्ट्रगल्स ऐसा बहुत जैसे टॉपर तो नहीं होते नाइन्टी नाइन परसेंट आ गया वीकेंड ही पढ़ता था सबको पता है कि मेहनत करी है <laughs> बट वो अब वो कहे ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बताया जा रहा है कि अरे मैं तो गॉड गिफ्टेड हूँ तो वो हमें हमने पॉडकास्ट में ये एक्चुअली कुछ कुछ बातें ऑलरेडी करी है, है कि -ले तुक्का था तो कितने तुक्के हमने सरवाइव किए टू मेक लेबर लॉ एडवाइजर वो हमने डिस्कस किया था एक पॉडकास्ट में वाह मुझे देखना पड़ेगा यार आई आई शुड शुड लाइक लिसन टू दिस बिकॉज वेरी गुड वेरी गुड आई एम वेरी इंप्रेस्ड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक यू गाइज आर ग्रेट गाइज वेरी ऑनेस्ट एंड एज मच एज आई हैव सेड कि देखो वॉट एवर वी डू एट कैपिटल माइंड द मेन थिंग इज टू मेक श्योर दैट पीपल डोंट इन्वेस्ट इन टू पीड एंड रॉन्ग थिंग्स i think you are also doing the same thing in a different way mm. which you are making people aware of what is stupid and wrong mm. and making people aware of what is right mm. that's uh, i hope you keep on and uh, i wish labor Law riser becomes even bigger and thank you sir <laughs> show ho tv channel ho aapka, you know <laughs> done sir fantastic <laughs> <laughs> great thank you sir. lovely year. thank Good. you so much thank you so much cheers आई होप सोचने समझने को आपको भी बहुत कुछ मिला होगा जाने से पहले एक फायदे की बात बताता हूं क्रेड ऐप डाउनलोड कर लो इसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में और अब से अपने क्रेडिट कार्ड गैस बिजली पानी सबका बिल पे करने के लिए क्रेड ऐप यूज करना बताओ क्यों क्योंकि क्रेड का दूसरा नाम है फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपने यूटिलिटी बिल्स के साथ साथ ये आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स को टाइमली पे करवाएगा ताकि आपका क्रेडिट स्कोर हेल्दी रहे और हाँ ये करने पर आपको क्रेड कॉइन्स मिलेंगे एज रिवॉर्ड इनफैक्ट अभी वर्ल्ड कप सीजन में आपको अपने फर्स्ट क्रेडिट कार्ड बिल्ड पर अप परसेंट डिस्काउंट भी मिलेगा एंड स्टोर पर पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जो आप से कर सकते हो दीपक सर काइंड इनफ टू गिव मी हिज बुक मनी वाइज टाइमलेस ऑन वेल्थ मतलब कि ये सौ साल पहले पढ़ लेते या अब से सौ साल बात भी पढ़ोगे, बनाने का तरीका यही है ये जो भी या रियलाइज हुई आपको भी होनी चाहिए पहली बात यह कि इंसान को पता ही नहीं है कि उसके पास अगर एक साथ बहुत सारा पैसा आ गया तो वो करेगा क्या बहुत लोग हैं किसी की लॉटरी लगी थी या कोई गोल्ड मेडल जीता था सैडली वेरी सैड टू से बट दे आर नॉट वेरी गुड इधर बिजनेस या फिर वो अपने पैसे को संभाल के नहीं रख पाए तो जब पैसे नहीं होते तब बोलना बहुत आसान होता है कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा बट जब पैसा आता है तभी कोई ना कोई आके उधार ले जाता है दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका हर साल बढ़ना चाहिए बहुत लोग ये गलती करते हैं कि आज सेट कर लिया दस हजार का एस करना है तीन साल बाद भी पूछोगे तो वो बोलेंगे का SIP चल रहा है बट तीन साल में उनका इनकम अगर बढ़ रहा है उनका एक्सपेंसिज अगर बढ़ रहा है तो उनका एस क्यों नहीं बढ़ रहा है और ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है आप जाओ कैलकुलेट करके देखो एक बंदा जो दस की एस करता है बारह रेट ऑफ रिटर्न पे और दूसरा बंदा जो दस की एस से चालू करता है बट वो अपने एस को अगले साल ग्यारा, करता है उसके अगले साल और दस परसेंट बढ़ाता है और वो वो बस परसेंट रिटर्न ही कमाएगा तब भी वो पहले वाले बंदे को बीट करेगा हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते निफ्टी को कंट्रोल नहीं कर सकते रेट ऑफ रिटर्न को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बट हम एक चीज जो कंट्रोल कर सकते हैं वो ये कि जल्दी स्टार्ट करेंगे एंड हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहेंगे तो दो तीन परसेंट रिटर्न कम भी आएगा ना आप अपने गोल पे आराम से पहुंचोगे और अगर रिटर्न आपकी उम्मीद के अनुसार आया का तो आप शायद अपने गोल को भी करोगे बट जल्दी स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है एंड दैट इज द तीसरी बात कि आप अपने अर्ली ईयर्स में ये एस वगैरह पे ज्यादा फोकस करें अगर पचास की किसी की सैलरी है उसको ये फोकस करना चाहिए कि आज मैं अपने आप को कैसे अपग्रेड करूं कैसे स्किल सेट को बढ़ाऊं कि मेरी सैलरी डेढ़ दो लाख रुपए हो जाए तो पचास हजार वाला बंदा पांच पांच हजार या दस दस हजार की अगर एस आई पी कर भी रहा है अगर वो नहीं करेगा दो तीन साल फोकस करेगा कि कैसे मैं अपनी सैलरी को डेढ़ लाख कर लेता हूं तो अगर वो तीसरे साल भी एस आई पी चालू करेगा तो वो शायद हजार पचास हजार पर मंथ की एस आई पी कर पाएगा और पिछले तीन चार साल का कोटा बराबर कर देगा सो मैक्सिमाइजिंग योर एक्टिव इनकम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ड्यूरिंग योर इनिशियल ईयर पैसा लगाने के लिए पैसा होना चाहिए डाउनलोड क्रेडिट पे ऑल योर बिल्स फ्रॉम वन सिंगल ऐप एंड गेट रिवॉर्डेड मिलते हैं एपिसोड थ्री में और गहराइयों के साथ ओके okay, बाय